बिस्मिल रहीम असला वेलकम टू माई यू चैनल मैं स्वेद अफशाह क्लास फाइव आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज थ्री बी इससे पहले चैप्टर नंबर वन विद ऑल रियल लाइफ स्टोरी सम्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं चैप्टर टू बी ठीक है उसमें जितने रियल लाइफ स्टोरी सम्स है वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं अब हम चैप्टर थ्री कर रहे हैं चैप्टर थ्री की एक्सरसाइज थ्री ए विद रियल लाइफ स्टोरी सम्स वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं आपने क्या करना है मेरे चैनल पर जाना है ठीक है सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अंदाज में मेथड आपने समझना है बहुत इजी वे में और क्लियरली मैं बच्चों आपको समझाती हूँ आपके मेंटल लेवल के मुताबिक समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और तमाम स्टेप्स मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए और उस स्टेप के जरिए आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए तो इसीलिए मैं बहुत वाजिया अंदाज में आपको मैस करवाती हूँ आप लाइक किया करें ठीक है एंड बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप इसी वे में सीख सके आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज थ्री के क्वेश्चन वन से सेवन तक फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह आपने फिल करनी है ठीक है इसमें फर्स्ट पे दिया गया वन बाई थ्री ऑफ ट्वेल्व सबसे पहले तो बच्चों ऑफ का मतलब आप समझ लें ऑफ का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है फिर सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे खाली जगह में लिख देना है ठीक है तो मैं अब इसको सॉल्व कर लेती हूं वन बाय थ्री ठीक है ऑफ ट्वेल्व तो आपने इसको ऐसे लिखना है वन बाय थ्री ऑफ ट्वेल्व ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे वन बाय थ्री लिख के ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और ट्वेल्व लिख देंगे ठीक है फिर आपने करनी है कटिंग थ्री के टेबल में ये दोनों कट जाते हैं थ्री वन जार थ्री थ्री फोर जर ट्वेल्व अब क्या रह गया है ठीक है आप देखें फोर मल्टीप्लाई बाय वन और नीचे क्या है वन ठीक है फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर नीचे वन होता है तो आंसर हमारा ऊपर वाला ही आता है वन नीचे जो होता है वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है फोर तो अब इस खाली जगह में फिर मैं क्या लिख दूंगी फोर तो आप यहाँ पे फोर लिख सकते हैं ठीक है सेकंड पे कहा गया है थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन बाय नाइन इसको भी बच्चों हम सॉल्व करके ही करेंगे तो मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाय बाय फिफ्टीन बाय नाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद फिर इसका आंसर लिखेंगे तो अब यहां पे मैं क्या कर रही हूं कटिंग करूंगी ठीक है अगर एक ही टेबल पे कटते हो अब ये थ्री है और ये नाइन है दोनों थ्री के टेबल में रिड्यूस हो जाते हैं और ये फाइव और फिफ्टीन है फाइव के टेबल में रिड्यूस हो जाते हैं ठीक है पहले थ्री के टेबल पे कर लेते हैं थ्री वन जार थ्री 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 हजार थी थी नाइन ठीक है फिर फाइव के टेबल में फाइव वन जार फाइव फाइव थ्री हजार फिफ्टीन तो अब आप देखें थ्री और वन ऊपर है और नीचे यहां पे वन आया हुआ और इसके नीचे थ्री है फिर से आप क्या कर सकते हैं थ्री को थ्री से कट कर सकते हैं तो अब आपका आंसर सिंपल वन आ रहा है क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाय वन वन ही आ जाएगा नीचे भी वन मल्टीप्लाई बाय वन आ जाएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है वन तो इस खाली जगह में फिर हम क्या लिख देंगे वन नेक्स्ट में आपको कहा गया फोर बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन बाई एट मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव इसको भी बच्चों आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करना है क्वेश्चन को आपने लिख लेना है उसके बाद सेम टेबल पे अगर वो रिड्यूस होते हैं तो फिर आपने उनको रिड्यूस करना है तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है अब मैं देखती हूँ कि ये किस किस टेबल पे रिड्यूस हो रहे हैं ठीक है यहाँ पे देखें बच्चों कि ये जो सेवन है और ये फोर्टीन है दोनों सेवन के टेबल पे रिड्यूस हो सकते हैं सेवन वन जार सेवन सेवन टू जार फोर्टीन ठीक है फिर उसके बाद अब आप देखें ये फोर है और ये एट है दोनों फोर के टेबल में रिड्यूस होते हैं फोर वन जार फोर फोर टू जार एट अब आप देखें ये टू है और ये टू है और ये टू बाय फाइव है ठीक है।, है इस टू को इस टू से कट कर दें सिंपल हमारे पास क्या रह गया है टू बाय फाइव तो अब यहां पे मैं क्या लिख दूंगी टू बाय फाइव यानी इसको सॉल्व करके आंसर आया है टू बाय फाइव डी पे चलते हैं डी पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ठीक है उसमें हमें कहा गया है सेवन बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय टू बाय सेवन प्लस थ्री बाय फोर्टीन इसको अब आपने सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ये मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखा रही हूं हमने क्या करना है कि सेवन बाय नाइन को ऐसे तो ही लिख देना है मल्टीप्लाई का साइन एज एट इज लेकिन अब जो अंदर क्वेश्चन है ना हमारा उसको हमने सॉल्व करना है सेवन और फोर्टीन है आपको मैं पहले ये एलसीएम लेना सिखा चुकी हूं सेवन और फोर्टीन को यहां रखेंगे टू के टेबल पे करेंगे टू सेवन जार फोर्टीन फिर से, दो सेवन है दोनों सेवन के टेबल पे जाएंगे सेवन वन जार सेवन सेवन वन जार सेवन, दर सेवन, दर सेवन. तो यहां से एलसीएम कितना बनेगा फोर्टीन टू सेवन सान तो अभी हमें क्या करना है हमें डी नोमिनेटर में फोर्टीन बनाना है ठीक है क्योंकि हमें डी नोमिनेटर को सेम करना होता है तो अब यहां पे सेवन है मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देखिए फोर्टीन बन जाएगा ना टू के साथ फिर उसी टू को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी अब यहां पे तो ऑलरेडी फोर्टीन है तो मल्टीप्लाई बाय वन कर देंगे मल्टीप्लाई बाय वन कर देंगे अब सेवन बाय नाइन को ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन थ्री को वन से किया थ्री नीचे फोर्टीन ठीक है यहां तक आपको समझ आ गई होगी फिर क्या करेंगे सेवन बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ऐड नहीं करना होता इस चीज को आप याद रखें ठीक है ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करना है फोर में थ्री को ऐड करेंगे सेवन और नीचे आ जाएगा फोर्टीन अब आप देखें बच्चों अब आपका ये क्वेश्चन इस तरह का बन चुका है इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कटिंग कर सकते हैं अगर कटिंग होती है ठीक है अब यहाँ पे देखें बच्चों कि यहाँ पे अब मैं कटिंग कर रही हूँ सेवन के टेबल पे इन दोनों को सेवन वन जर सेवन सेवन टू जर फोर्टीन ठीक है अब यहाँ पे सेवन रहे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वन है नीचे टू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है नाइन है अब हमने क्या करना है जो ऊपर वाले दोनों टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन को वन से मल्टीप्लाई किया सेवन नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया तो एटीन तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है सेवन बायीन तो सेवन बाय एटीन को फिर मैं क्या करूंगी खाली जगह जो हमारी है क्वेश्चन में उसमें लिख दूंगी तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेवन बाय एटीन ठीक है एटीन आ रहा है बच्चों हमारा आंसर सेवन बाय एटीन ठीक है जिसका फोर पार्ट हो चुका है इसी तरह अब हम क्या करेंगे अब हम ई e पार्ट को भी करेंगे ई पार्ट में भी आपने पहले बच्चों क्वेश्चन को लिख लेना है क्वेश्चन को लिख के फिर आपने पहले उसको देखना है कि अंदर वाली टर्म्स को क्या करना है यानी अंदर वाली टर्म्स दोनों मल्टीप्लाई की हुए है उन्हें मल्टीप्लाई वाला करके फिर दोनों का आपने एंड पे एलसीएम ले लेना है देखे प्लस का साइन है ना प्लस को हल करने के लिए इसका आंसर उसका आंसर इन दोनों का फिर से आप एलसीएम लेंगे और उसको सोल्व करेंगे ठीक है तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है अब आप देखें इस टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो टू आ जाएगा नीचे फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा यहाँ टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एट हो जाएगा और नीचे जो है फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है यहां तक आपको समझ आ गई होगी अब हमने क्या करना है अब हमने एलसीएम लेना है ठीक है अब एलसीएम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर फिफ्टीन है यहां पे भी तो इट्स मीन के दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम 15 ही आ गया है हमें मजीद इसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी सेम है हमारा ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर सेम है अब क्या करेंगे ऊपर वाले दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे टू प्लस एट कर देंगे और नीचे फिफ्टीन लिख देंगे टू में एट ऐड करेंगे तो टेन आ जाएगा नीचे आ जाएगा फिफ्टीन अब दोनों फाइव के टेबल में रिड्यूस हो जाते हैं फाइव थ्री जार फिफ्टीन फाइव टू टेन यानी सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है टू बाय थ्री तो अब इस आंसर को टू बाय थ्री को मैं यहां पे लिख दूंगी ठीक है क्वेश्चन वन की बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अभी हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट है कि इसमें आपने बताना है कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है फर्स्ट पे कहा गया है वन बाय टू ऑफ वन बाय फोर इज वन बाय सिक्स वो कह रहे हैं कि वन बाय टू को वन बाय फोर से मल्टीप्लाई करें तो वन बाय सिक्स आता है ऑफ का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं क्या होता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ठीक है अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना बच्चों देखें वन को वन से करेंगे वन आ जाएगा टू तो को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट वन बाय एट आ रहा है तो वो कह रहे हैं इज वन बाय सिक्स तो फिर गलत कह रहे हैं ना तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी तो इसको हम फॉल्स लिख लेंगे ठीक है अब यहां पर देखें बी पे बी पे हमें वो कह रहे हैं कि ये आपको एक बॉक्स दिया गया है ठीक है इसमें कहा गया है कि इसके फ्रैक्शन के बारे में कि ये वन बाय के इक्वल है ठीक है तो इक्वल में आप देखें बच्चों के आप इसमें देखें टोटल कितने इसके फ्रैक्शन है कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर ठीक है तो फोर पार्ट्स हैं टू कलर्ड हैं यानी टू बाय फोर होगा तो उसको रिड्यूस करेंगे तो वन बाय टू के इक्वल ही आएगा तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ टोटल हमारे जो इसमें पार्ट्स हैं आप देखें फोर है नीचे फोर लिखेंगे जो कलर्ड पोर्शन है वो हमारा टू का है टू लिख देंगे अब टू के टेबल में इनकी कटिंग करेंगे टू वन जार टू 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 जार फोर तो आंसर वन बाय टू आ रहा है ठीक है तो इन्होंने भी कहा है कि इसको सॉल्व करके आंसर वन बाय टू है तो ये आंसर वाकई वन बाय टू की इक्वल है तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हो गई तो यहां पे हम ट्रू लिख देंगे नेक्स्ट में देखें बच्चों कि आपको ये दिया गया है क्वेश्चन ठीक है इसको आपने इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है 144 दिया गया है डिवाइडेड बाय 81 वन मल्टीप्लाई बाय एटी डिवाइडेड बाय 144 फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय फोर बाय नाइन वो कह रहे हैं कि ये इक्वल टू फोर बाय नाइन है तो इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि ये फोर बाय नाइन के इक्वल है या नहीं तो ये मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूं अब यहां से देखे बच्चों एटी वन को मैं एटी वन से कैंसिल कर दूंगी वन फोर्टी फोर को वन फोर्टी फोर से कैंसिल कर दूंगी तो बाकी हमारे पास क्या बच गया है फोर बाय नाइन बच गया है तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर फोर बाय नाइन आता है तो हमने भी सोल्व किया हमारा भी फोर बाय नाइन आ रहा है तो स्टेटमेंट फिर क्या होगी ट्रू तो यहां पे ट्रू लिखेंगे नेक्स्ट पे है हाफ ऑफ आर थर्ड इज वन बाय फाइव वो कह रहे हैं कि हाफ ऑफ थर्ड वन बाय फाइव के इक्वल होता है तो ये बच्चों हाफ ऑफ थर्ड देखें वन बाय फाइव के थ्री बाय फाइव बनेगा ना स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे एफ लिख देंगे ई e में हमे कह रहे हैं फाइव थर्ड मेक फाइव बाय थ्री यानि फाइव थर्ड यानी देखे फाइव थर्ड मेक्स यानी फाइव बाय थ्री ही बनता है ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो इसको हम ट्रू लिख देंगे ठीक है नेक्स्ट में आ जाते हैं नेक्स्ट में हमें कहा गया सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आंसर आपने करेक्ट सिलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन में से जो कि आपको फोर फोर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कह रहे हैं थ्री टाइम्स वन नाइन्थ इज थ्री टाइम्स वन नाइन्थ इज ठीक है तो वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे आप देखें बच्चों कि ये किसके इक्वल आ जाएगा वन बाय थ्री के इक्वल आ जाएगा थ्री टाइम्स तो ये हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा तो हम इसको ऑप्शन बी को क्या कर लेंगे सर्कल कर लेंगे फिर वो नेक्स्ट पे कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ थर्टीन बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय नाइन थ्री बाय सिक्सटी फाइव वो कह रहे हैं कि इसको आपने सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है तो इसको बच्चों पहले हम क्या करेंगे हम लिख लेंगे और लिख के फिर इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है तब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि ये मैंने तीनों टर्म्स लिख ली हैं अब मैं कटिंग करूंगी फाइव को फाइव से कट कर दूंगी थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन हो चुका है फिर आप देखें थर्टीन के टेबल में थर्टीन वन जार थर्टीन थर्टीन ठीक है थर्टीन देखें फोर जार फिफ्टी टू और थर्टीन को देखें फाइव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्सटी फाइव आ जाता है तो फाइव आ जाएगा यहाँ पे तो अब ऊपर हमारा वन आ चुका है नीचे थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव यानी सॉल्व करके हमारा वन बाय फिफ्टीन आ रहा है यहाँ पे देखते हैं कि वन बाय फिफ्टीन हमारा आ रहा है कहाँ पे ऑप्शन ए पे आ रहा है तो वन बाय फिफ्टीन ए पे है तो ए को सर्कल कर लेंगे नेक्स्ट में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ फाइव बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाय सेवन बाय टेन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व बाय थर्टी फाइव इन द लोएस्ट टर्म लोएस्ट टर्म में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं कि फिर हमारा आंसर क्या बनता है तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे इसको पहले टू के टेबल पे मैं करती हूँ कटिंग ठीक है टू फाइव जर टेन टू सिक्स ट्वेल्व अब देखे बच्चो ये फाइव है ये फाइव है ये कट गया ये सिक्स है ये सिक्स है ये कट गया क्या बच गया सेवन और थर्टी फाइव सेवन वन जार सेवन सेवन फाइव थर्टी फाइव लोएस्ट फॉर्म में हमारा आंसर यहाँ पे वन बाय फाइव बन रहा है अब देखते हैं हमारा यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है ये वन बाय फाइव यहाँ पे आप देख सकते हैं टू बाय टेन 12 बाय सिक्सटी वन बाय फाइव थर्टी बाय वन हमने अभी सॉल्व किया है तो हमारा आंसर 1 बाय फाइव आ रहा है तो ऑप्शन सी ठीक है तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं ठीक है तो ये बच्चों आप इसी तरह आपने नेक्स्ट डी पार्ट को करना है डी पार्ट में आपको दिए गए थ्री एडिशनल फोर बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री एडिशनल थ्री बाय फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय सेवन बाय ट्वेल्व ठीक है इसको सॉल्व करके आपने ऑप्शन जो गिवन ऑप्शन है उनमें से देखना है कि जो आंसर आपका गिवन ऑप्शन में से किसके साथ मैच कर रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ पहले क्या करेंगे पहले हम इसकी एडिशनल फॉर्म को खत्म कर देंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेवन थ्री से ट्वेंटी वन और फाइव फोर एड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव बाय सेवन बनेगा फिफ्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में थ्री एड करेंगे फोर्टी एट बाय फिफ्टीन बन गया और सेवन बाय ट्वेल्व है ठीक है यहां तक आपको समझ आ गई होगी अब क्या करेंगे आप रिड्यूस करेंगे हम इनको अब देखें बच्चों यहाँ पे ट्वेल्व है ट्वेल्व वन हजार ट्वेल्व ट्वेल्व फोर हजार फोर्टी एट ये कट गया है फिर सेवन सेवन से कट जाएगा अब फाइव थ्री हजार फिफ्टीन फाइव फाइव हजार ट्वेंटी फाइव मजीद कोई कटिंग नहीं हो सकती तो ऊपर फाइव है और ये फोर है नीचे थ्री है तो फाइव को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन जो है आप देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है ट्वेंटी बाय थ्री आया है तो ट्वेंटी बाय थ्री को बच्चों आप क्या करेंगे हम इसको हम मजीद सॉल्व कर लेंगे आप देखें बच्चों कि जब ऊपर बड़ी टर्म आ जाती है ना तो नीचे छोटी टर्म हो तो हमने क्या करना होता तो है उसको डिवाइड भी करना होता है तो ट्वेंटी को यहां पे रख लेंगे और थ्री पे डिवाइड करेंगे थ्री सिक्स एटीन ठीक है माइनस करेंगे ट्वेंटी में से एटीन माइनस किया टू तो अब इसका आंसर हम किस फॉर्म में लिखेंगे सिक्स एडिशनल टू बाय थ्री तो सॉल्व करके अब यहाँ पे ये आंसर बन रहा है ये याद रखें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें बड़ी टर्म आ रही हो नीचे छोटी टर्म हो तो उनको डिवाइड भी कर लिया करें ठीक है तो ये हमारा आंसर आ रहा है सिक्स एडिशनल टू बाय थ्री देखते हैं हमारा कहां पे ये आंसर ए पे भी नहीं है बी पे नहीं है सी पे नहीं है डी पे ऑप्शन पे ठीक है ये हमारा आंसर आ रहा है तो डी को सर्कल कर लेते हैं नेक्स्ट पे आपको कहा गया है सेवन बाय फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन इज इक्वल टू ये तो इजी है यहीं पे मैं करके दिखा देती हूँ फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा तो बी ऑप्शन पे फोर्टीन है तो बी को हम क्या कर लेंगे सर्कल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों कंप्लीट हो गया है इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कहा गया है वर्क आउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डायग्राम के जरिए आपने हेल्प से क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें बच्चों यहां पे हमें कहा गया है देखिये फाइव मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू यानी आपने वन बाय जो टू है ना ये देखें ना हर एक में वन बाय टू 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 यानी फाइव टाइम वन बाय टू आ रहा है आप सिंपल सी uh, ये लॉजिक को अपनाएं आप लिखेंगे वन बाय टू को फाइव टाइम ठीक है वन बाय टू वन बाय टू ये इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है तो यहीं पे करके आपको दिखा रही हूँ वन बाय टू वन बाई टू ठीक है ये लिख लिया है अब डी सबका टू आ रहा है ठीक है तो अब क्या करेंगे टू लिख के ऊपर सारी टर्म्स को एड कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बाय टू है ठीक है फाइव बाय टू है इसको हम क्या करेंगे सिंपल डिवाइड कर लेंगे अभी मैंने आपको बताया था अगर ऊपर बड़ी टर्म आ जाती है नीचे छोटी टर्म तो उसको डिवाइड कर लेते हैं टू तो टू आर फोर माइनस करेंगे वन तो इसका आंसर अब किस फॉर्म में लिखेंगे टू एडिशनल वन बाय टू यानी टू होल वन बाय टू ठीक है यह आंसर आ चुका है नेक्स्ट पे बी पे आपको कहा गया फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर सिंपल सी बात है वन बाय फोर हमें दिए गए हैं अब हमने वन बाय फोर को फोर टाइम यानी फोर टाइम लिखना है ये वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर ठीक है अगेन यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर फोर है सेम है तो अब मैं क्या करूंगी फोर लिख के ऊपर सारी टर्म्स को एड करूंगी वन टू थ्री फोर फोर आ गया अब फोर को फोर से कट करेंगे तो हमारा आंसर वन आ जाएगा ठीक है थर्ड पे देखें वन बाय फाइव दिया गया लेकिन थ्री टाइम अब वन बाय फाइव को हम थ्री टाइम लिख लेंगे वन बाय फाइव वन बाय फाइव वन बाय फाइव वन ठीक है डिनोमिनेटर में फाइव है सेम है तो फाइव लिख के ऊपर वाले तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा यहां पे हमें डिवीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमारी छोटी टर्म आ रही है और नीचे बड़ी टर्म है तो हमें यहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो थ्री बाय फाइव इसका आंसर आ गया है अब हमने वन बाय थ्री कितने टाइम लिखना है फोर टाइम लिखना है तो वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा है थ्री सेम है तो थ्री लिखेंगे ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे वन टू थ्री फोर बनेगा अब यहां ऊपर बड़ी टर्म आ चुके हैं नीचे छोटी है तो अब क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे फोर को अंदर रखेंगे थ्री पे डिवाइड करेंगे थ्री वन हजार थ्री माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा वन होल वन बाय थ्री ठीक है वन अपॉन थ्री तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी वे में हो जाएगा यहीं पे कर लेते हैं अब इसको भी आपने सॉल्व करना है टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर अब देखे बच्चों यहां पे कोई कटिंग नहीं हो सकती ठीक है तो सिंपल करेंगे फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट हो जाएगा और नीचे लिख देंगे थ्री ठीक है अब बी पार्ट में टू और सेवन दिया गया है नीचे फाइव दिया गया यहाँ पे भी कोई कटिंग का सिस्टम नहीं है कोई रिड्यूस नहीं हो सकते तो टू को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन आ जाएगा नीचे आ जाएगा फाइव ठीक है सी पे देखें थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन आ जाएगा और नीचे आ जाएगा फोर क्योंकि कटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे सेवन को वन से मल्टीप्लाई करें तो सेवन आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट में फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव आ जाएगा नीचे सिक्स आ जाएगा अब यहां पे कटिंग हो रही है क्योंकि दोनों हमारे ई नंबर है टू को वन टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स ठीक है तो अब यहाँ पे बच्चों देखें कि यहाँ पे कटिंग हो के क्या हमारा बन रहा है सिक्स सॉरी थ्री आ रहा है अब इसको चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं बुक में जो आंसर दिया गया ना वो पता है कैसे दिया गया है सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया गया सिक्स नीचे आ गया है टू ये आंसर दे दिया गया है ठीक है तो अब मैंने क्या किया है इसको मजीद रिड्यूस कर दिया टू वन जा टू टू जा थ्री जा सिक्स यानी थ्री आंसर लिख लिया है चाहे तो आप इसको यहां तक भी स्टॉप कर सकते हैं सिक्स बाय टू लिख के सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाएगा टू ही आ जाएगा ठीक है यहां तक भी कर सकते हैं अगर आप इसको रिड्यूस कर देते हैं तो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई इशू नहीं है तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेते हैं ये भी इजी है और हम यही बुक भी कर लेंगे यहां पे भी टू बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स दिया गया है आप क्या करेंगे यहाँ पे कटिंग करेंगे थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट पे हमें बी में दिया गया है थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एट फोर वन जार फोर फोर टू जार एट थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आ जाएगा यहाँ पे टू को टू से कट करेंगे तो टेन आ जाएगा यहाँ पे फोर वन जार फोर फोर टू जार एट तो क्या आया है यहाँ पे सेवन बाय टू आ रहा है सेवन बाय टू को आप क्योंकि बड़ी रकम है ऊपर नीचे छोटी रकम है आप इसको मजीद डिवाइड भी कर सकते हैं बुक में यहीं पे स्टॉप कर दिया गया है चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर लें ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे फोर बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय थ्री दिया गया है थ्री के टेबल में रिड्यूस हो जाएगा थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन तो फोर बाय थ्री आ जाएगा इसको भी आप क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं ठीक है और या तो यहाँ पे ये बुक में आपको यही आंसर दिया गया यहाँ पे ठीक है यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया लेकिन अगर आप इसको डिवाइड भी कर लेते हैं तो उससे आपके नंबर्स की कटिंग नहीं होती है यहाँ पे देखिए सेवन मल्टीप्लाई टू बाई सेवन सेवन को सेवन से कट करेंगे तो आपका आंसर टू आ जाएगा ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कम्पलीट हो चुका है अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन कर लेते हैं कम्पलीट द फॉलोइंग इसको भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है यानी टू वन जार टू 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 जार फोर टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा बहुत सिंपल सा है यहां पे देखें कटिंग नहीं होती क्योंकि ये और नंबर है ये इवन नंबर है सेम टेबल पे नहीं जा रहे हैं थ्री को वन से मल्टीप्लाई करें थ्री आ जाएगा नीचे टू आ जाएगा ठीक है फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर वन एडिशनल वन बाय क्योंकि बच्चों बुक में जो आंसर दिए गए ना कहीं पे जो आपका आंसर है वहां पर उन्होंने डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है यानी मजीद डिवाइड किया हुआ है कहीं पे यहीं पे स्टॉप कर दिया है तो अगर आप ये आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस ना बन जाए कि यहां पे डिवाइड किया गया है और यहां पे डिवाइड नहीं किया गया है तो आप जो है आप सिंपल ऐसे क्या करें अगर आपके ऊपर बड़ी टर्म आ रही है नीचे छोटी टर्म आ रही है तो आप उसको डिवाइड भी कर लिया करें ठीक है तो उससे आपके नंबर की कटिंग नहीं होती है आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं अब यहां पे देखें बच्चों के टू को टू से कट करें तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो ये वन आ गया है डी में देखें यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो सकती ये ऑड है ये इवन है फाइव को वन से मल्टीप्लाई करें फाइव नीचे आ जाएगा टू अब फाइव को आप अंदर रखें टू पे आप डिवाइड करेंगे देखिए है फाइव को अंदर रखें ना टू पे डिवाइड करेंगे टू टू, टू जर फोर ठीक है माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा टू होल वन अपॉन टू ठीक है ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखें वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय टू ये तो कटिंग इनकी हो ही नहीं सकती है ठीक है ये वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर आ जाएगा तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें एंड लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज से फायदा उठा सके अच्छे वे में, में मेथड सीख सके थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज